हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नित शाम फॉर आप देख रहे हैं शामी कोर्स। आपको टाइटल एंड थंबनेल देख के समझ आ ही गया होगा, हम एक हीरो सेक्शन बनाने वाले हैं जो कि फिगमा डिज़ाइन में है, जिसको हम अपना वर्डप्रेस के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारे और हीरो सेक्शन बनाने देखे थे, जिसको यहाँ अच्छे लगते हैं तो वो हमारी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकता है और उसको सीख सकता है, अपने प्रोफेशनल लाइफ में से इंप्लीमेंट कर सकता है। ठीक है, ये हमने बनाए थे प्रीवियस वीडियोज़ में। ठीक है, आज की वीडियो में एक और हम हीरो सेक्शन बनाने वाले हैं जो कि एक प्रोफेशनल वे में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना अपना सबसे पहले अगर हम इस डिज़ाइन को देखें, सबसे पहले इस पर हेडर है, उसके बाद एक हीरो सेक्शन है और यहाँ कुछ सर्विस लिखी हुई है जहाँ प्रोडक्ट सेल कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम मद्देनजर रखते हुए चीज़ों को डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो मेन चीज़ है वो है हेडर। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 चीज़ें यहाँ पे हैं, हम इस 5 चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, देखना है यहाँ बटन है, कलर स्कीम है, कलर स्कीम को हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे अपने पास और यहाँ पे हम इसको अपने पास ग्लोबल सेट कर देंगे। ठीक है, स्टाइल्स में यहाँ पे पेज सेटिंग में आता हूँ, साइड सेटिंग में आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ग्लोबल कलर में आता हूँ, यहाँ बहुत सारे पहले सेट हो गए, यहाँ मैं सेट करता हूँ कलर्स को, तो यहाँ लिखता हूँ मैं प्राइमरी कलर। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे ग्लोबल सेट कर दिया। उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और कलर आ रहा है जो के है ये येलो टाइप में, तो इसका कलर मैं कॉपी कैप कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे कर लेता हूँ इसको मैं पेस्ट। ठीक है, ये मेरे दो कलर यहाँ हो गए, उसके अलावा कोई कलर यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो, ये ब्लैक कलर है, कुछ इसकी शेड है, इसको भी कर लेता हूँ टेस्ट कलर लिखता हूँ यहाँ पे, सॉरी इसको मैं कॉपी कर दिया, जो सही वे इसका काम करने का, टेस्ट कलर कर दिया, इसको मैंने सपोर्टिव कलर दे दिया। ठीक है, तो ये मेरी कलर स्कीम भी रेडी होगी, यहाँ पे 3 ये मेरी कलर स्कीम है। ठीक है, वो पिछली प्रीवियस वीडियो की थी, इसके अलावा कुछ यहाँ पे खास नहीं, कुछ तस्वीरें हैं, चीज़ें हैं, और इसको इसका जो फॉन्ट फैमिली वो देखते हैं, मैं मुनसिरत है। ठीक है, मुनसिरत हो गया, और यहाँ पे मुनसिरत के अलावा पोपन से मुनसिरत यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, इसके अलावा हर जगह पे पोपन्स ही यूज़ हुआ है, तो ये भी अच्छी चीज़ है, पोपन्स और मुनसिरत इस्तेमाल हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा, जो मेन चीज़ हेडिंग होती है उसका आप कोई भी रख सकते हैं अपना ही टेक्स्ट फैमिली, लेकिन दूसरों का आपने वो हर एक प्रोडक्ट के लिहाज से किस तरह की चीज़ को बना रहे हैं उस हिसाब से इसकी फॉन्ट फैमिली डिज़ाइन रखी जाती है। तो ये एक ज़रा फूड डिलीवरी टाइप का है कुछ, तो इस वजह से इसका जो फॉन्ट फैमिली बड़ा सिंपल सा है, आई कैचिंग है और बहुत स्मूथ है। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करते हैं, अपनी साइट में इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको अपडेट किया, उसके बाद मैंने इसको कट कर दिया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले प्लस लिया, यहाँ पर मैंने क्या किया, अपना 4 सेक्शन ले लिए। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसको मैं एक और डुप्लीकेट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 5 सेक्शन लेने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ टेक्स्ट, लेता हूँ टेक्स्ट एडिटर ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं फाइन मार्ट लिख दिया। ठीक है, और फाइन मार्ट लिखने के बाद यहाँ पे सबसे पहले जो मेरा टेक्स्ट है उसको मैं कलर देना चाहूँगा, इसको यहाँ पे कलर में दूंगा अपना, वो है जी फर्स्ट का फाइन का लूँ कलर अगर मैं, तो वो है अपना दिस, इसको यहाँ पे कर दूंगा इम्प्लीमेंट, ओके करूँगा। और दूसरा जो कलर मेरा है वो है जी येलो टाइप का, क्योंकि ये एडिटर में ग्लोबल कलर ऐसे नहीं आता। ठीक है, उसको आप कर सकते हो, लेकिन वो इकट्ठा सारा एक ही जैसा हो जाएगा, तो इसको मैंने कलर दे दिया यहाँ पे कस्टम पे जाके ये वाला। ठीक है, ये दोनों का कलर आ चुका है। उसके बाद क्या करना है, मैंने यहाँ पे सेट करनी है इसकी फॉन्ट फैमिली, तो यहाँ पे फॉन्ट फैमिली जो इसकी थी वो है पोपन्स और सेमी बोल्ड। देखिए पोपन्स है, पोपन्स यहाँ पे सेट कर दिया और यहाँ पे है सेमी बोल्ड कर दिया, और उसके बाद का साइज हम अपने हिसाब से यहाँ पे सेटमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और इसको मैं तकरीबन इस तरह कर देता हूँ। ठीक है, ST डालना तो भूल गए, ठीक हो गया, तो ये थोड़ा सा मिल नहीं रहा, उसकी शक्ल मिलाने के लिए मैं करूँगा यहाँ पे FINEST और
MART, ठीक है। तो ये अब कुछ जैसा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे मेन्यू सेक्शन ऐड करना है, जो हमने मेन्यू बनाए हुए हैं वर्डप्रेस के मेन्यूज को, यहाँ मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। और उनको मैं हॉरिजॉन्टल है, अंडरलाइन है, फेड है, इसको मैं सेट मेट कर देता हूँ। ये पहले तो कलर इसका यही रहने देते हैं। हावर पे इसको मैं करता हूँ थोड़ा सा प्राइमरी, और पॉइंटर कर दूंगा मैं सेकंड। डिस्पोज करें कुछ इस तरह आता है, तो मैं इसको प्राइमरी प्राइमरी करता हूँ, और इसको भी मैं यहाँ पे प्राइमरी कलर। देखो इतना इजी हो गया, बार बार कलर सेट नहीं करना पड़ा है, इसको सेट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसकी मैं जो विथ है उसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद इनके जो मेन चीज़ को मैं सेंटर कर देता हूँ, और यहाँ पे जो विथ एंड हाइट को 0 कर देता हूँ, और इसको कॉपी करके इसमें मैं पेस्ट कर दे सॉरी पेस्ट स्टाइल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पेस्ट चीज़ें पेस्ट हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद जो मेन काम हमारा है, ये हमारा काम हो चुका है। यहाँ पे ये 2 चीज़ें आ चुकी हैं। उसके बाद हमने एक और चीज़ को ऐड करना है, वो है हमारा ये आइकन्स, साइन और साइन। अब ये आइकन आपको अगर वू कॉमर्स पे इस्तेमाल करें तो आपको ऐसा आइकन मिल जाएगा, लेकिन अगर हम भी तो हम वू कॉमर्स पे नहीं, CMS पे काम कर रहे हैं, तो इस वजह से हमें ये यहाँ पे खुद ही क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे आइकन पे जाऊँगा, ठीक है। आइकन पे जाने के बाद मैं यहाँ पे आइकन को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दूँगा कार्ट, कुछ मुझे मिल जाए कार्ट जैसा, तो मैं एक्सपोज करें ऐसा कार्ट ले लेता हूँ। इतना कोई अच्छा दिखने में नहीं है, लेकिन हम वो SVG से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो प्राइमरी कलर था ब्लैक ही था, तो मैं इसको सेकेंडरी कर दिया, ठीक है। इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा मैं कम कर दिया, ठीक है। इसको मैंने कर दिया है सेंटर में, ठीक हो गया। अच्छा, इसी चीज़ को डिज़ाइन को मैं इसे इसको कट कर देता हूँ। फिलहाल मैं इसको ना पहले इनके डिज़ाइन को डुप्लीकेट कर देता हूँ बार बार, ठीक है। 3 बड़ी चीज़ें आ गई। उसके बाद साइन इन का बटन है और साइन अप का बटन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे कट कर दिया, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 2 बटन ऐड करता हूँ एक ही बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बटन, बटन ले लिया, बटन यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, इस पर लिखा साइन इन लिख दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे साइन लिखने के बाद जो इसका साइज़ है वो इतना भी मैटर नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस लेने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो एक अकेला टेक्स्ट है, ठीक है। उसके नीचे के बॉर्डर डाल दिया उन्होंने, तो मैं करूँगा यहाँ पे इसके बजाय इसको लूँगा, और बॉटम में मैं एक सिर्फ एक डाल दूंगा, ताकि नीचे एक क्या हो जाए, मेरा एक लाइन आ जाए, ठीक है। उसके बाद जो बैकग्राउंड है, बैक टेक्स्ट कलर को मैं करूँगा प्राइमरी कलर, और बैकग्राउंड कलर जो मेरा है उसको मैं कर दूंगा ट्रांसपेरेंट कलर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का दिखना नज़र आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो उसका पैडिंग है, पैडिंग में कर दूंगा 0, अगर देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल एक कंप्रेस हो गया उसके साथ, ठीक है। तो इसको मैं कर दूंगा और इसको सेंटराइज कर दूंगा, ठीक है। मैं करता हूँ एक और बटन लेता हूँ, और इसमें मैं जो फॉन्ट फैमिली वो डालना भूल गया, तो इसका फॉन्ट फैमिली में सेट करता हूँ, वो है पॉपिंस, ठीक है। पॉपिंस कर दी, और इसको मैंने कर दिया थोड़ा नॉर्मल में, और इसका साइज़ जो है वो मैं यहाँ पे 16 करता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा फिर मैं एक बटन एक और इसमें ऐड करने लगा हूँ, ठीक है। बटन इसके अंदर ऐड करना है मैंने, हाँ जी, ठीक हो गया, इसके अंदर आ गया, और थोड़ा सा इसके लेफ्ट साइड उस साइड पे, ठीक है। यहाँ पे करूँगा साइन अप, ठीक है, साइन अप कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो मेरा काम था वो है कि मैं इसकी पहले फॉन्ट फैमिली टोटो करूँ पॉपिंस, ठीक है। पॉपिन करने के बाद इसका जो साइज़ है उसको मैं कर दूँ थोड़ा सा 16 रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी 16 है, ठीक है। और इसका थोड़ा कर दूंगा मैं लाइट वर्जन, ठीक है। इसका भी 300 ही करता हूँ, ये ज़्यादा लग रहा है, तो इसको मैं कर दूंगा थोड़ा सा लाइट, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड है कलर है उसको मैं कर दूंगा प्राइमरी, और हावर पे कर दूंगा इसका टेक्स्ट कलर मैं प्राइमरी, और बैकग्राउंड कलर कर दूंगा ट्रांसपेरेंट, और बॉर्डर कलर कर दूंगा मैं यहाँ पे प्राइमरी करता हूँ, ठीक हो गया। हावर एनिमेशन कर दूंगा मैं ग्रो,
जी सर, इसते जैसे मैं इस पर हावर करूँगा तो इसका एक इम्पैक्ट आ रहा होगा। तो फिलहाल जैसे हमारे यहाँ पे जितने भी चीज़ें थी एलिमेंट वो यहाँ पे आ चुके हैं, इनको सेटमेट करना है। ठीक है, तो यहाँ हम इसको सेटमेट थोड़ा करेंगे, इसको वाले को सेक्शन को थोड़ा सा रिड्यूस करूँगा ताकि ये सेट हो जाए। इसको मैं करता हूँ सेंटर, और इन सब की जो है विथ को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और बॉस की जो विथ है इसको मैं टॉप 10 और बॉटम 10 दे देता हूँ। ठीक है, तो जैसे तो मेरा जो हेडर है वो इस तरह भी नज़र आ रहा है, इसमें थोड़ी कमियाँ हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, और इनको सेटमेट करने की कोशिश करते हैं जितना हो सकता है इसको। ठीक है, तो इसका मैं थोड़ा सा देता हूँ टॉप। ठीक है, ये मेरा सेक्शन यहाँ पे इस तरह वे में आ गया है। तो इसके अलावा इसमें हम इसका गैप जो है इसको 0 करता हूँ मैं, जो इसको रहने देता हूँ ऐसे एज इट इज, और ये चका ज़्यादा ले रहा है तो इस पर मैं देख लेता हूँ कुछ चीज़ ऐड तो नहीं, एक्स्ट्रा लाइन हाइट को सेट कर लेते हैं, इसमें भी मैं मसला कर देती होती है जी। लाइन हाइट को रिड्यूस किया तो ये कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कुछ चीज़ें होती हैं जो ना अक्सर चीज़ें सामने आ जाती होती हैं। हाँ, किसको मैं कुछ सेटमेंट करना पड़ जाता होता है अपने हिसाब से। ठीक है, अब कुछ ये बेहतर लग रहा है। ठीक है, और ये आइकन का भी सेम इशू, इसको हमने थोड़ा सेट करना है, इसको हमें करके थोड़ा सा इसको मैं भी टॉप से देता हूँ मार्जिन पैडिंग। ठीक हो गया, तो ये हमारा जो है वो हेडर सेक्शन रेडी हो चुका है। इसको हम और ज़्यादा मेंटेन कर सकते हैं कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन इस पर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो हमने एक कंसेप्ट लेना है। ठीक है, उसको लेकर चलना है, और जो अपनी होती है अपना साइज का उसको 1200 रखा करें, ये एक अच्छा स्टैंडर्ड वे है सेट करने का। ठीक है, और उसके अलावा हमारा जो सेकेंड स्टेप है वो है जी ये वाला सेक्शन को रेडी करना है। देखिए, इसमें 1 2 3 सेक्शन हैं और आगे मजीद सब सेक्शन इसमें हैं। ठीक है, तो अब हम इस चीज़ को लेके चलेंगे। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके एक बॉर्डर लेता हूँ अपना। अच्छा, इस पर थोड़ा एडिटिंग कर दूँ, ये मेरा पॉपिंस नहीं है, तो इसको पॉपिंग करूँगा पहले। ठीक है, जो अच्छा भी दिखे, और उसके बाद इसको मैं कर दूँ नॉर्मल। ठीक है, देखें अब इसकी ब्यूटी कितनी अट्रैक्टिव हो गई है। तो इसको मैं थोड़ा करता हूँ सेंटराइज। ठीक है, हाँ अब बेहतर लग रहा है हेडर। ठीक है, पहले से बेहतर लग रहा है। ठीक है, उसके बाद देखें मेरे पास ये वाला सेक्शन में 3 सेक्शन रिक्वायर्ड हैं, तो मैं करता हूँ यहाँ पे 3 का सेक्शन ले लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं टेक्स्ट आते हैं, एक पिक्चर आती है, फिर 2 ये सेक्शन आते हैं। ये टेक्स्ट थोड़ा बनाना थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है एडिटिंग करने में भी, तो हम सबसे पहले इसको लेकर चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अपनी हेडिंग पास करता हूँ, और इसका जो बॉर्डर है मे बी देखा जाए तो अभी नहीं देना, बाद में देखते हैं इसको। इसी टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर ड्रैगन एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद इसका जो कलर है वो मैंने लिखा था टेक्स्ट कलर, ये लिख दिया था। ठीक है, और ये सारा टेक्स्ट मेरा जो है वो ठीक है, लेट योर क्रोसियस कम टू यू। अच्छा, ये मोन्सेरत में है, इसको मैं सेट कर दूंगा मोन्सेरत। ठीक हो गया, मोन्सेरत में हो गया ये। उसके जो साइज है उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, यहाँ से इसको मैं ज़्यादा कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका जो साइज इसको मैं करता हूँ 55। ठीक है, लेट योर ग्रोसरी इसको थोड़ा रिड्यूस करता हूँ साइज में अगर, और ये जो है इसको मैं कर दूंगा ज़्यादा बोल्ड। ठीक है, बोल्ड ही है यहाँ पे, और बोल्ड करने के बाद यहाँ पे जो चीज़ है वो है कि ये वाला टेक्स्ट जो है ग्रोसरी ये दूसरे कलर में है, तो इसको कैसे किस तरह हम कर सकते हैं, इसको मैं स्पैन लिखता हूँ यहाँ पे, स्पैन टैग का इस्तेमाल करूँगा।
स्पैन टैग होता है, इनलाइन टैग होता है, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने मेरी HTML वाली वीडियो नहीं देखी तो आप वो भी देख सकते हैं, वो एक 30 मिनट की वीडियो है जिसपे मैंने कंप्लीट अपनी तरफ से जितना एक्सपीरियंस हो सका इसमें डिलीवर करने की कोशिश की है, जो एक बड़ी इफेक्टिव है रेदर देन जो आप 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो देखते हैं दूसरी वेबसाइट्स पर ऊपर उसके, ठीक है। उससे मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, तो इसी टेक्स्ट को मैंने कॉपी किया तो यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे हैश लगा दिया, ठीक है। देखें ये वाला कुछ इस तरह चीज़ बन चुकी है। उसके बाद जो गैप दिख रहा है वो है लाइन हाइट का गैप, तो आपने लाइन हाइट सेट कर देनी। यहाँ पे आके देखें, यहाँ पे आके अपने साइज से लाइन हाइट को सेट कर दें और साइज़ थोड़ा सा मिनिमम मैं यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ, क्योंकि इसका 1200 करता हूँ पहले, ये एक तो इशू जो है उसके हिसाब से देखना शायद कोई सॉल्व हो जाए। तो इसका साइज जो है वो ऊपर नहीं आ रहा, या तो मुझे थोड़ा सा इसको आगे करना पड़ेगा, ठीक है, तब भी नहीं हो रहा, तो मैं इसका साइज थोड़ा सा कम करता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरह हमारा सेक्शन आ चुका है। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है उसको हम लेके चलते हैं। इसके बाद जो उसको है हमने वो टेक्स्ट एडिटर रख देना है एज इट इज़, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया और यहाँ बस पेस्ट कर दिया, इसका ऑटोमेटिक काम खुद कर देगा। और जो हमारा सेकंड काम है वो है जी इसका फॉन्ट फैमिली सेट करना, तो हम जानते हैं वो कौन सी पॉपिंस है, ठीक है। और देखें इतनी खूबसूरत इसमें चीज़ आ चुकी है, अच्छी भी लग रही है, ठीक है। और इसकी मैं थोड़ा सा करूँगा ताकि ये अपनी एक ही लाइन में चीज़ें सारी आती जाएं। इतना काम होने के बाद जो मेरा सेकंड स्टेप इसमें है होगा वो ये है कि इसमें मुझे एक फॉर्म ऐड करना पड़ेगा जो कि होगा मेरा एक सर्च फॉर्म, सर्च है ये, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप तो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आपके लिए मसला ही कोई नहीं है इसको एडिट करने का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ टैक्सी रख देता हूँ, लेबल इसका मैं हटा देता हूँ मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद जी स्मॉल लेबल यहाँ पे हटा दिया मैंने। उसके बाद जो मेरा बटन है और जो ये चीज़ है इसको मैं सेट तो कर लूँगा, सबसे पहले इसमें लिखा क्या है आइकन बनाए, तो मैं यहाँ पे सर्च का एक आइकन ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लगा दिया है, जो मेरा सर्च वाला टॉपिक है इसको मैं यहाँ पे सेंड लिखा है इसको मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये काम होने के बाद जो मेरा एडिटिंग वाला सेक्शन है उसमें आ जाता हूँ मैं। तो जो इसका जो लेबल हटा दिया मैंने टेक्स्ट को, मैंने रखा था सर्च हेयर, और जो मेरा फॉर्म है फील्ड है, फील्ड का जो बॉर्डर रेडियस को मैं करता हूँ 12, और इस पर बॉर्डर लगा नहीं है तो बॉर्डर को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो बटन है और जो मेरा फॉर्म है जहाँ मैं आता हूँ देखें, तो यहाँ पे इसकी आ रही थी विथ, तो मैं करता हूँ विथ इसकी 70% और बटन की यहाँ पे विथ जो है वो आ रही होगी तो इसको मैं करता हूँ 25%, देख रहे हैं। तो ये दोनों इक्वल आ चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मसला ये नज़र नहीं आ रहा तो वो इस वजह से है, तो मैं अपनी फील्ड में जाऊँगा, इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं थोड़ा सा कर दूँगा हल्का सा ये, ठीक है, ग्रे टाइप में, ठीक है। तो हल्का सा मैंने ग्रे टाइप में कर दिया है। उसके बाद इसका जो कंटेंट है, अगर मैं फील्ड में जाता हूँ दोबारा अपनी 70 था और यहाँ बटन मेरा 25 है, तो मैं यहाँ पे 30 करके देखता हूँ और एक कुछ स्पेसिंग इनकी जो है उनको मैं देख लेता हूँ, थोड़ा स्टाइल में जाके फार्म गैप रो गैप इसका जो गैप उसको मैं रिड्यूस करता हूँ। और जो फील्ड है इसमें मैंने 12 दिया, इसको मैं कम करके कुछ इतना कर देता हूँ, ऐसा करता हूँ कि टॉप से मैं करता हूँ 12 और बॉटम से करता हूँ 12, नहीं सॉरी बॉटम से नहीं, राइट से करता हूँ 12, नहीं लेफ्ट से करता हूँ 12, ठीक है। तो एक साइड से मैंने 12 12 कर दिया, ठीक है। अब उसी बटन की इस दूसरी साइड पे मैंने 12 12 करना है, तो बटन पे आ गया, तो मैंने किया था टॉप लेफ्ट से और अब मैं करूँगा राइट बॉटम से, देख सकते हैं, सॉरी ये पैडिंग आ गई, तो मैंने यहाँ पार्ट रेडी से यहाँ 12 और 12 देख सकते, दोनों को एक मैंने लाइन पे एडजस्ट कर दिया। इसके बाद थोड़ी इसकी स्टाइलिंग वगैरह हो जाए तो मैं यहाँ फील्ड पे है, टेक्स्ट हमें पता है कौन सा है, भाई साहब बोलो एक बार, पॉपिंस है, ठीक है, पॉपिंस ले लिया मैंने, पॉपिंस भाई साहब यहाँ पे आ चुके हैं। और उसके बाद इसका जो है वो है प्लेस ऑर्डर, वो है सर्च हेयर, तो नेम को मैं हटा के यहाँ लिखूंगा सर्च लिख दूंगा बस, ठीक है। तो उसके बाद जो मेरा बटन है, बटन भाई साहब है, उसको मैं यहाँ पे सेटमेट कर लेता हूँ प्राइमरी कलर दे के,
देख सकते हैं थोड़ा सा इसमें लुक एंड फील आ चुका है जो उसी तरह दिख रहा है। एक चीज़ ध्यान रखनी है, यूआई यूएक्स में हमेशा बैलेंस बड़ा अहम होता है। देख सकते हो लाइन खींची आ रही है, प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। तो बटन मेरा आ चुका है, ये थोड़ा बटन बड़ा लग रहा है, तो बटन बटन बड़ा हमारे साथ बहुत बड़ा लग रहा है। तो इसको हम कुछ सेटिंग है इसमें देख सकते हैं। देखिए हर चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है कि हम कितनी इसमें पॉसिबिलिटी है इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बटन 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 यहाँ पे हमारे पास साइज एक्स्ट्रा स्मॉल कर देंगे, नहीं स्मॉल ठीक है, इसको सेंटर लेफ्ट किया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इस तरह दिख रहा है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जो बटन की सेटिंग है उसको मैं यहाँ पे करता हूँ, समझ गया। तो यहाँ पे करता हूँ मैं 5 5 5 और 5, सॉरी इसको 5 किया तो मैं यहाँ पे करूँगा 10 5, और इसको कर सॉरी इसको कर दूँगा 10, और या फिर इसको मैं करता हूँ 10 नहीं तो इसको मैं कर दूँगा 10 20 10 20, ठीक है। तो या फिर ये कर दूँगा, ठीक है। अब देखें कुछ उससे ऐसा बेहतर लग रहा है, ठीक है। ये हमारा ये सेक्शन भी हो चुका है। उसके बाद ये हमारे कुछ नन्हे मुन्ने लिस्टेज हैं, इसको हम ऐड करेंगे। वो किस तरह, यहाँ पे थोड़ा लॉजिक लगेगा। अगर तो हम देखिए यहाँ पे रो में लेके चल रहे हैं तो सारे रो में आते जाएंगे, इससे वर्टिकल नहीं आएंगे। तो हमें करना पड़ेगा यहाँ पे कंटेनर 2 ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। एक कंटेनर ऐड कर दिया, इसकी जो चीज़ें हैं उसको मैं सेट मैट करूँगा अपने अंदाज से। लेकिन पहले सबसे पहले यहाँ पर लिस्ट ऐड करता हूँ, एक आइकन लिस्ट ऐड कर दी जहाँ पे कुड लिखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं यहाँ दो को रिमूव किया, इसको ले लिया, और यहाँ पे जो मेरा चेक है चेक को लगा दिया, इतना मेरा काम हो गया। उसके बाद इसकी अलाइनमेंट है वो अलाइन कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं सपोज कर इसको 2 वैसे लेता हूँ, अगर मैं इसको बाहर सेट करता हूँ तो तब भी भाई साहब 2 ही आ रहे थे, उसको कंटेनर को हटाइए थे फिर, ठीक है। तो इसको मैं लाइन सेट की है, और फ्रेश वेजिटेबल नाम से जो लिखा है उसको मैं लिया यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया, ठीक है। और जो मेरा गारंटी वाला था उसको कॉपी किया और नीचे वाले सेक्शन में आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। 2 काम तो हो गए। अच्छा इसी को सेट करेंगे, फिर क्या होगा, हम हमारा जो है वो नीचे को पेस्ट कर देंगे। आइकन है, आइकन का जो था हमने बताया था, हमने सपोर्टिव कलर लेंगे, और जो हमारा अटैक्स है हम जानते हैं कौन सा, भाई सर का नाम फिर बोल दो, वो कौन सा जी, पॉपिंस है, पॉपिंस है। और इसको इतना ज़्यादा हम लाइट कर देंगे, ठीक है, वो लाइट जगह में वाला नहीं दूसरा लाइट। तो इसको मैं यहाँ पे सेट मेट कर देता हूँ, ठीक है। सेट इसको मैं डुप्लीकेट कर देता हूँ, ठीक है। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी लिखा है उसको ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे इसको आके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे फास्ट डिलीवरी ले लिया कॉपी, और यहाँ पे आके मैंने कर दिया भाई साहब पेस्ट। देखो जी मेरा तो रेडी हो गया है काफ़ी हद तक, और ये जो है टेक्स्ट सही लाइन बाय लाइन चल रही चीज़ें, कोई इतना गैप नहीं है। तो मैं यहाँ पे देखूँ तो थोड़ा सा इसमें ठीक जा रहा है, इतना बुरा नहीं है। अब हम सेकंड स्टेप पे आते हैं जो कि हमारा सेकंड सेक्शन है। इस पर हमने सबसे पहले क्या करना है, बैकग्राउंड इमेज ऐड करनी है। तो मैं वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको चेक कर दिया, वो भी मैंने एक बैकग्राउंड इमेज डिज़ाइन की है PS एडिट से, अगर तो भाई साहब मिल जाए तो गनीमत है मेरी। ये देखें वो जैसे बनाने की मैंने कोशिश की, कुछ चीज़ें होती है देखो आपको मिल जाती, कुछ आपने खुद बनानी है। तो आप ट्राई करें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आपकी भी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो कवर कर दें, ठीक है, जितना हो सका पॉसिबल मैं उसको उससे सब बनाने की कोशिश करूँ। कभी भी चीज़ 100% एक्यूरेट नहीं होती, आप उसके कुछ परसेंट ही उस जैसा बना सकते हैं, ठीक है। आप उसको प्योर 100% उस जैसा नहीं बना सकते, ठीक है। ये मेरा जो मटेरियल कुछ था इसको मैं कॉपी किया और यहाँ पे आके मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो देखें ये मेरा सारा जो मटेरियल वो यहाँ पे आ चुका है, इसको मैंने ले लिया इस सेक्शन को और यहाँ पे आके मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो देखें मेरी इमेज आ चुकी है जो कितनी पाउंडफुल लग रही है, इसे ब्यूटीफुल लग रही है। इसको यहाँ तक इसको मैं कर दूँगा, यहाँ पे आके जो इसकी हाइट है उसको मैं कहता हूँ भाई साहब पूरी जगह ले लो, क्यों छोड़नी है। तो ये जगह भाई साहब इसने नहीं ली, तो इसको हम देख लेते हैं इस भाई साहब को कि इसके क्या इशूज़ हैं। इसको यहाँ तक ले लिया, इसकी जो पिक्सल में ले जाता हूँ अब तो भाई लेगा ही लेगा, ठीक है। अब यहाँ तक इस जगह ले ली, इसको मैंने कर दिया कवर, ठीक है। और ये भाई साहब हमें कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। और इसका जो टॉप सेंटर करता हूँ, नहीं सेंटर सेंटर, और इसका जो था फुल विथ हो गई, स्टाइल में आ गया, मैक्स विथ ऑब्जेक्ट हो गया। और तो और अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा अगर मैं बढ़ाऊं तो ठीक है,
अच्छा लगता है कुछ कुछ। तो ये पिक्चर मेरी इस तरह आ चुकी है। अब यहाँ पे देखें, ये थोड़ा सा इसके बराबर है और ये थोड़ा नीचे आ रहा है। तो इसका एक हल ये हो सकता है कि इसको मैं कर दूं भाई साहब यहाँ पे पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट कर दूं, ठीक है। ये फिर बाहर आ जाएगा। तो पोजीशन एब्सोल्यूट कर दी है, तो इसको मैं यहाँ पे पोजीशन इसकी है एब्सोल्यूट, इसको देख लेता हूँ गया कहाँ पे। पोजीशन थी इसकी, इसको मैं एब्सोल्यूट कर गया। हाँ ठीक है, थोड़ा सा ना कंटेनर को एब्सोल्यूट हो गया था मेरा, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सेटमेंट कर सकता हूँ अपने अंदाज से, ठीक है। और यहाँ पे आके इसको सेटमेंट तो कर सकता हूँ, साथ में इसकी थोड़ी साइज वगैरह भी इसका इंक्रीज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा भाई साहब इस तरह आ चुका है। और मुझे की बात ये कि जो मैं इसका हेडिंग है उसको मैं थोड़ा सा टॉप बॉटम से थोड़ा गैप देता हूँ, जैसे 20 और 20, ठीक है, ताकि ऊपर नीचे थोड़ा मार्जिन हमें गैप मिल जाए। और ये जो गैप है ये बॉर्डर के साथ आ गया, ठीक है। और इस वाले सेक्शन को थोड़ा सा मैं ना कर देता हूँ 10 और 10। ठीक है। और तो ये मेरा क्या हुआ, यहाँ पे सेक्शन यहाँ पे आ चुका है। इसको थोड़ा सा मैम लगता है मज़ीद थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसको यहाँ पे इतना कर दिया है, और जो इसकी जो है भाई साहब विथ कंटेनर की, इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे देखने में भी अच्छा लगे, ठीक हो गया है। तो ये मेरा कुछ इस तरह स्टाइल आ चुका है। देखें हमारा यहाँ पे इतना सेशन बन चुका है। यहाँ पे हमने अब साइड वाले सेशन को देखना है, तो यहाँ क्या करूँगा, तो देख सकते हैं इस सेक्शन को मैं बनाऊँगा, रोज बना कॉलम है। तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे दो कार्ड हैं, अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो इमेजेस भी हो सकती हैं और दो कार्ड भी हो सकते हैं, अपने अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो अगर तो मैं यहाँ पे इसको एज अ डिज़ाइन करूँ कार्ड के लिहाज से, तो वो भी आप कर सकते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं। तो इसको अपने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद इस पर एक इमेज ऐड करनी है, ठीक है। इमेज ऐड हो गई, सॉरी उसमें ये आ गया, इसमें हमने एक इमेज ऐड करनी है। इमेज ऐड करने के बाद यहाँ पे इमेज मेरे पास सपोज करें, यहाँ पे मेरे पास ना तस्वीरें हैं, तो इस जैसी इमेजेस मैं यहाँ से ले लेता हूँ। अकेली इमेजेस अगर मिलती हैं मुझे यहाँ से, हाँ मिल गई, तो मैं यहाँ पे इसको इमेजेस को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और अपने सॉफ्टवेयर में इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो हीरो से यहाँ क्लिक किया और इस वाली इमेजेस कोशिश करता हूँ यहाँ उठा लूँ, उठा लूँ से मुराद है इसको यहाँ से निकाल लूँ। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट करके मैं यहाँ पे आ गया अपना दूसरी जगह पे। थोड़ा टाइम ले रहा है, इंटरनेट पाकिस्तान का बहुत तेज़ है। तो अच्छा, यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और ये दो इमेजेस को यहाँ मैं कॉपी किया, यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें मेरे पास आ चुकी हैं, इमेजेस आ गई, इसको मैंने फुल विथ दे दी। और जो मेरा कंटेनर है ये वाला, इसको मैं थोड़ा कर दूंगा पैडिंग, दूंगा 10, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट को 20 देता हूँ। उसका जो बैकग्राउंड कलर है सबसे पहले उसको मैं सेट करता हूँ ताकि मुझे नज़र आए कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको इतना दे दिया, और इसकी जो विथ है फुल करके मैं इसको दूंगा सिर्फ 50%, 50% देता हूँ, इतना अच्छा लगता है भाई। तो इसको मैं स्टाइल में आके करता हूँ अपना बॉर्डर, उसको कर दिया 12। और उसके बाद इस पे मैं करने वाला हूँ कुछ चीज़ें ऐड, जो कि सबसे दिल दहलाने वाली चीज़ थी प्राइस। अच्छा नहीं, पहले इसकी टाइटल दे दूँ मैं, टाइटल दे दिया, और टाइटल में दे दिया मैंने फ्रेश स्पंचिस, जो कि गलत वर्ड है, फ्रेश कुछ भी नहीं होता। तो इसको मैंने कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हमने इसको भाई साहब सब जानते हैं क्या करने वाले हैं, इसको हम करने वाले हैं पॉपिंस। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ भाई साहब पॉपिंस,
और यहाँ पे अगर मैंने कर दिया 400 और 22 का साइज़ तो बहुत ज़्यादा है, इसको मैं कर दिया इतना। उसके बाद सबसे दिल दहलाने वाली चीज़ जो है वो है प्राइस, उसको मैं ऐड करता हूँ, वो कर देंगे हम जी कितना लगाया, $12 हुए, गरीब बंदा कहाँ जाए। तो इसको मैं करता हूँ $12, 12 ठीक है, और इसको करता हूँ सेंट्रलाइज कर दिया, और भाई साहब स्पेसिंग इसकी कम करता हूँ तो ये भी इसको थोड़ा सा पास पास आ जाएगा इसके। तो ऊपर वाले को क्लिक किया, इसको मैं कर दिया यहाँ पे सेंटर, और भाई साहब इसको मैं करूँगा डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के बाद जो फोटो है उसको मैं उठा के रिप्लेस कर दूंगा इसके साथ, ठीक हो गया। तो ये देखिए दोनों तस्वीरें मेरे पास आ चुकी हैं, इसको मैं कर दूंगा थोड़ा सा सेंटर में, ठीक है। तो ये मेरा सेक्शन है, ये वाला भी रेडी हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे गलती लगी, इसको मैं जो बैकग्राउंड कलर है वो मेरा प्राइमरी कलर ही होना चाहिए, ठीक है। और साथ में इसको मैं थोड़ा सा क्या करूँगा, इसको मैं थोड़ा सा करूँगा पेस्टल कलर, ठीक है, जो कि अच्छा भी लगेगा। तो इसको मैं कॉपी किया इस डिज़ाइन को, इसमें मैंने क्या किया पेस्ट करते हैं, तो देखता हूँ कंट्रास्ट बन रहा है यार, मज़ा तो आ रहा है, अगर दो डिफरेंट कलर हो भी तो एक कंट्रास्ट बन जाता है। चलो फिर भी मैं इस पर अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन इसको मैं लेके चलता हूँ। तो ये मेरा दोनों साइज चेंज इस तरह आ चुके हैं। उसके बाद हमारे ये कुछ सर्विसेज हैं, इसको मैं ले लेता हूँ, इसको प्लस करूँगा, और यहाँ पे आके चार सर्विस का बॉक्स इसको मैं डालता हूँ। उसके बाद इसको मैं बड़ा इजी क्या करूँगा, यहाँ पे इमेज बॉक्स एक ले लूँगा, ठीक है। मैं कुछ इमेजेस डालूँगा, कुछ आपने कुछ फिर काम करना है, ठीक है। इमेज बॉक्स में ये एक ले ली, इसका नाम क्या था भाई साहब, इसका नाम था वेजिटेबल, खाला वेजिटेबल, इसको मैं डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। उसका बाद में जो लोरम ही है, लोरम रहने देता हूँ मैं, इसमें जब डिज़ाइनिंग में आता हूँ, इसको मैं लेफ्ट साइड के दिया, इसका इमेज का साइज़ ठीक है भाई साहब, लड़ाई नहीं करनी अपन ने, इसका जो था बॉर्डर कुछ नहीं डाला उन्होंने, और हावर एनिमेशन जो लोग ग्रो कर देता हूँ जो अच्छा लगता है। उसके बाद जी इसका है कंटेंट की बारी आती है, कंटेंट में हम सब जानते हैं क्या डालने वाले हैं भाई साहब, के बाद बोल रहे सारे हम डालने वाले हैं यहाँ पे पॉपिंस, ठीक है। तो टेक्स्ट कलर और दूसरे कलर को मैं कहेंगे पॉपिंस, ठीक है। मोन्सेरा इस्तेमाल हुआ है टॉप के ऊपर, और इसका जो है वो है जी 400-500 करता हूँ, ठीक है। और नीचे वाले का जो होगा पॉपिन भाई साहब, उसको मैं कर दूंगा यहाँ पे 300, उसकी लाइन थोड़ी ज़्यादा, इसको मैं कम कर देता हूँ, ठीक है, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। और इसके जो है अपना 15, और इसको कर दूंगा मैं यहाँ पे सेट मेट कुछ कुछ 20, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस सबको डेल कर दूंगा, ठीक है। मैं क्या करने वाला हूँ, इन सबको डुप्लीकेट कर लूंगा, देख सकते हैं यहाँ पे सारे जो है मेरे टाइप वो डुप्लीकेट हो चुके हैं। और ये डुप्लीकेट होने के बाद इन सब की मैं फिलहाल से तस्वीरें चेंज कर दूंगा, ताकि थोड़ा डिफरेंट आ जाए, सारे एक जैसे ना लगें, ठीक है, सारे एक जैसे बिल्कुल नहीं लगें, नहीं तो फिर यहाँ पे जेलसी शुरू हो जाएगी कि एक दूसरे की तरह हम दिखते हैं सारे। चलो जी ये हमारा कुछ इस तरह का, ये हमारा जो था हीरो सेक्शन वो रेडी हो चुका है। अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मुझे अच्छा लगा है कि मैंने इतना अपना गला सुखा दिया है कुछ डिलीवर करने में, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब तो बनता है भाई। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू हीरो सेक्शन के साथ। ओके जी, खुदा हाफिज़।